में डाल उफनती नदी को ट्रॉली से पार करते स्कूली बच्चे। तस्वीरें हैं उत्तरकाशी के सियुणा गांव की, जहां इस अत्याधुनिक युग में भी जनजीवन जर्जर ट्रॉली के सहारे चल रहा है। एक तरफ जिस देश में सरकार सड़कों और पुलों का जाल बिछा रही है, ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो गुस्सा जरूर आता है। अब ऐसा भी नहीं है कि ये गांव दूरस्थ क्षेत्रों में आता है। उत्तरकाशी का ये सियुणा गांव जिला मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी ये हाल है। हर साल यहां से ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, लेकिन सरकार है कि जागती ही नहीं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ स्कूली बच्चे भी जान जोखिम में डालकर इस जर्जर ट्रॉली के सहारे भागीरथी नदी को पार कर रहे हैं। मैं रहता हूं, मेरा नाम निशान रसवाल है, मैं कक्षा 3 में पढ़ता हूं। वो मैं स्कूल में लक्ष्मी से स्कूल में जाता हूं। और इस ट्रॉली का हम ट्रॉली से आते हैं तो इस ट्रॉली में बहुत दिक्कत होती है, तो हम टेकलाबू से जाते हैं। टेकलाबू से हमको हमारे काम भी जरूर लगते हैं, फिर हम डीएम पे भी जाते हैं बहुत बार, तब भी हम कुछ नहीं करते। दरअसल जिस पैदल मार्ग से ग्रामीण आना जाना करते थे, वो पैदल मार्ग भारी बारिश के कारण बह गया है। हर साल इस पैदल मार्ग को सैलाब अपने साथ बहा ले जाता है। ऐसा नहीं है कि लोक निर्माण विभाग और सरकार को इस बारे में पता नहीं है, कई बार शिकायत के बाद भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारी ग्रामीणों की नहीं सुन रहे हैं। और भाई यहाँ पे जो है बहुत ही दिक्कत हो रही है, मतलब स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, हम लोग आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी नहीं खींची जा रही है, थोड़ी बहुत झुकी हुई है, और मतलब काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो है परसों पानी बढ़ा हुआ था, पूरी ट्रॉली पे पानी लगा हुआ था, फिर भी हमने अपने मतलब अपने जान को जोखिम में डाल के मतलब वो किया है, ट्रॉली से इधर उधर जाते हैं, बहुत ही दिक्कत होती है। वो वाला रास्ता तो हमारा भाजी बंदी है, तो हमें कोई रास्ता तो है नहीं यहाँ पे, इसलिए हमें अपने जान जोखिम में डाल के यही रास्ता अपनाना पड़ता है। और हम अभी मैं वहाँ से आ रहा हूँ, पीडब्ल्यूडी ऑफिस से होके आ रहा हूँ, वहाँ से भी वो ऐसी बात कर रहे हैं कि वो कभी बोल रहे हैं कि 2-4 दिन देखेंगे ये, तो प्रशासन भी ऐसी मतलब हो रखा है, प्रशासन कोई वो नहीं है कि मतलब कि किसी वो बच्चे यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत को सामना करना पड़ रहा है। जिस ट्रॉली के साथ स्कूली बच्चे और ग्रामीण उफनती भागीरथी नदी को पार कर रहे हैं, वे भी जर्जर स्थिति में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी से आशीष मिश्रा की रिपोर्ट।